और इसी पर एक बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के पलवल से। हरियाणा के पलवल में भी विरोध प्रदर्शन जारी है, बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। पलवल में गुस्साए छात्रों ने आगजनी भी की है अग्निपथ का विरोध करने के लिए, ये प्रदर्शन जारी है, ये खबर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बिहार से लेकर हरियाणा तक कई जगह पर आगजनी और पथराव और हंगामा हुआ है, कई जगह पर आगजनी पथराव और हंगामा हुआ है। गुस्साए युवाओं ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। पूरे देश में कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो ही रहे हैं। छपरा में ट्रेन जलाई गई, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छपरा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। देश भर में सेना की इस अग्निपथ की स्कीम का युवा विरोध कर रहे हैं, सेना की अग्निपथ स्कीम का विरोध युवा कर रहे हैं। हालांकि लगातार जो सरकारें हैं वो शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। कुछ देर पहले सीएम योगी ने भी अपील की थी कि युवा बहकावे में ना आए, लेकिन प्रदर्शन पूरे देश में जारी है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा के पलवल में भी विरोध प्रदर्शन जारी है इसी अग्निपथ स्कीम को लेकर। बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हैं, पलवल में गुस्साए छात्रों ने आगजनी की है। हरियाणा के पलवल में गुस्साए छात्रों ने आगजनी की है, तस्वीरें हम आपको हरियाणा के पलवल की दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बड़ी संख्या में, भारी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, उन्होंने आगजनी की है। छात्र इस बात का विरोध कर रहे हैं, वो जो अग्निपथ स्कीम है उसका विरोध कर रहे हैं। ये हरियाणा के पलवल की सड़कें हैं जो इस समय विरोध की आग में जल रही हैं। यहाँ छात्र हैं जो सड़क पर आ गए हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, उन्होंने देखिए वहाँ आग लगा दी है। एक तस्वीर हम आपको छपरा से दिखा रहे हैं, बिहार के छपरा की। छपरा में ट्रेन में आग लगा दी गई, गुस्साए छात्रों ने आग लगा दी, ये प्रदर्शनकारी छात्र थे। और दूसरी तस्वीर हम आपको हरियाणा के पलवल से दिखा रहे हैं, हरियाणा के पलवल में भी प्रदर्शन हुआ, देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन हुआ है, बिहार में भी प्रदर्शन हुआ है, हरियाणा में भी प्रदर्शन हुआ है और कई ऐसे राज्य, राजस्थान में भी प्रदर्शन हुआ है। देश में कई राज्य हैं जहां प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि छात्रों से यह अपील की जा रही है कि वो किसी के बहकावे में ना आए, लेकिन प्रदर्शन की तस्वीरें देश के कई राज्यों से आ रही हैं। छपरा में ट्रेन जला दी गई, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हम आपको पलवल से तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां भी छात्रों ने प्रदर्शन किया है, विरोध जताया है अपना। और बिहार में भी प्रदर्शन हो रहे हैं इस अग्निपथ स्कीम को लेकर। बिहार में हो रहे प्रदर्शन की 7 तस्वीरें आपके सामने हैं। अग्निपथ स्कीम का खुलकर विरोध हो रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। छात्रों में सबसे ज्यादा इस बात को लेकर नाराजगी है कि 3 से 4 साल उन्हें पहले नौकरी के लिए तैयारी करनी होगी, इसके बाद नौकरी होगी, तो वो भी महज 4 साल के लिए। छात्र ये जानना चाहते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार में जहां प्रदर्शन हुआ। बेगूसराय, मुंगेर, जहानाबाद, आरा, नवादा, सहरसा, इसके अलावा छपरा से भी तस्वीरें आई थी। छात्रों का कहना है कि अग्निपथ स्कीम में जाने के लिए 4 साल तैयारी करो, उसके बाद 4 साल की नौकरी मिलेगी। ये भी विरोध है और उसे लेकर हर जगह देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी हम आपको बिहार की तस्वीरें दिखा रहे थे, बिहार के अलग अलग जिलों से जहां पर यह प्रदर्शन हो रहा है। अग्निपथ हंगामा ये क्यों बरपा है अग्निपथ स्कीम को लेकर, कारण आपको बताते हैं। फायदा सिर्फ 17.5 से यानी कि 17.5 साल से 21 साल की उम्र में बड़ा मौका है। आशंका क्या जताई जा रही है कि पेंडिंग रिजल्ट होल्ड पर चले जाएंगे, ये आशंका जताई जा रही है। फायदा क्या है कि 4 साल के बाद नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल के बाद नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। आशंका यह है कि फौज में रेगुलर भर्ती में कमी आएगी, इसे लेकर विरोध हो रहा है। फायदा यह है कि 25% को नियमित सेना में प्रवेश मिलेगा, अगर 100 लोग भर्ती होते हैं तो उसमें से 25 लोग ऐसे होंगे जिन्हें नियमित सेना में प्रवेश मिल जाएगा। आशंका यह है कि 4 साल बाद भविष्य क्या होगा उनका, इसकी कोई खबर नहीं है, इसे लेकर भी हंगामा है। फायदा यह कि 4 साल की सेवा के बाद एक मुश्त रकम उन्हें मिलेगी, जब वो 4 साल की अपनी सेवा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद एक मुश्त रकम मिलेगी। आशंका यह जताई जा रही है कि क्या सेना के स्ट्रक्चर में भी बदलाव होने वाला है, जब यह स्कीम बदल रही है तो क्या सेना के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। फायदा यह कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देश सेवा का मौका मिलेगा इससे। आशंका यह कि छोटी अवधि की सेवा में जज्बे की कमी रहेगी, ऐसा लगेगा कि 4 साल के लिए तो करना है। ये सारे फायदे और आशंकाएं थी जो हम बता रहे थे, जिसे लेकर युवाओं में भी काफी स्थिति जो है वो बनी हुई है हां ना की, और इसी को लेकर विरोध हो रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं, अपने अपने तर्क हैं। अग्निपथ योजना को लोग अपने अपने ढंग से बता रहे हैं और अलग अलग बातें कही जा रही हैं। अग्निपथ योजना पर प्रदर्शन के दौरान
ग्वालियर में भी हंगामा हुआ। एज एन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिफॉर्म इट्स ए ह्यूजली ट्रांसफॉर्मेटिव प्लान एंड इन टाइम्स टू कम द रियल इम्पैक्ट ऑफ दिस विल बी सीन फॉर द डिफेंस सर्विसेज एंड फॉर द सिविल सेक्टर फॉर द पीपल अग्निवीर्स हू गो आउट एंड यू नो लुक फॉर ए करियर आउटसाइड सो आई थिंक इट्स अ ह्यूजली ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप एंड इट विल शो अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स इन टाइम्स टू कम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूथ वी मस्ट व्यू इट एज an opportunity that is given to the youth in this bracket of 17 and a half to 21 that they can join the defense services all the three services and have this opportunity to serve for 4 years and in this 4 years it gives an opportunity to the youth to get the benefits of the defense services and also have a decision point later to go into any other career or as an entrepreneur or as his own private business whatever he would like to do. फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।